नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल पे। फिर से आ गए हम अपने नए वीडियो के साथ। वीडियो को टाइटल आपने देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स भर्ती की 2022 के बारे में, तो उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो मैंने बना रखी है उसके बारे में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मेरे को भी अच्छा लगे कि जितने भी लोग देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं। और दोस्तों, नीचे कमेंट करके बताएं आपको वीडियोस कैसे लग रही हैं। काफ़ी वीडियोज आई हैं मेरी पिछले हफ्ते लेटेस्ट जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में। काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटमेंट निकली हैं दोस्तों पिछली बार काफ़ी, और काफ़ी ज़्यादा सेक्टर मुंबई की तरफ से है। मुंबई में काफ़ी ज़्यादा जॉब्स आ चुकी हैं और जो आज हम बात करने वाले हैं उसमें से भी कई जॉब्स मुंबई में भी हैं, लेकिन ये इंडियन एयरफोर्स की बात करेंगे अभी हम। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। मैंने वेबसाइट खोल रखी है, इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो ने वेबसाइट खोल रखी है। तो हम बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स भर्ती 2022 के बारे में। द इंडियन एयरफोर्स भर्ती 2022, इंडियन एयरफोर्स इज इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर 80 वैकेंसी। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 80 वैकेंसीज के लिए उन्होंने जो इंडियन एयरफोर्स ने रिक्रूटमेंट निकाली है। बाकी यहाँ पे बात करें, एप्लीकेशन अनइनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल 80 वैकेंसीज फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दोस्तों जॉब है यहाँ पे, ठीक है। 19 फरवरी की लास्ट डेट है, 13 फरवरी है, 6 दिन बचे हैं दोस्तों इसको अप्लाई करने के लिए। लास्ट डेट इसकी 19 फरवरी है। तो बाकी नीचे हम थोड़ा डिस्कस और कर लेते हैं। अभी दोस्तों लिखा हुआ है, लिखा हुआ है पोजीशन नेम, पोजीशन नेम हमारा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, टेक्निकल ट्रेड। नंबर ऑफ पोस्ट 80 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास है, 10 प्लस 2 या ITI। इसका PDF मैं अभी दे दूंगा, उसमें आप रेफर कर सकते हैं जाके। जितने भी लोग 10th पास हैं, 12th पास हैं, जो सोचते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते क्योंकि हमने ग्रेजुएशन नहीं कर रखी, दोस्तों ऐसे कुछ भी नहीं है। जितने भी 10th पास है और 12th पास है, काफ़ी गवर्नमेंट जॉब उनके भी निकल जाती है, जिसके लिए मैं अपडेट डालते रहता हूँ। अभी मैंने पिछली वीडियो में भी अपने CISF की एक वीडियो डाली है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर। उसमें भी 10th और 12th पास ही चाहिए था। बाकी हम बात करें एज लिमिट, तो एज लिमिट नॉर्मल है इसकी 14 to 21 ईयर्स, और इन केस ऑफ डिजेबिलिटी तो 14 to 24 ईयर्स। एप्लीकेशन मोड इसका ऑनलाइन है। लास्ट डेट टू अप्लाई 19 फरवरी है इसकी। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर ऑफिशियल वेबसाइट जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए उसका नोटिस जो आ रखा था इंडियन एयरफोर्स का, वो नोटिस है। PDF का लिंक दे रखा है और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दे रखा है। ये दोनों लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे, आज अभी मैं डाल दूंगा इसके बाद। वहाँ से आप PDF भी देख सकते हैं। PDF में आपको सारी पोस्ट दिख जाएंगी, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एप्लीकेशन फीस है, कहाँ भरना है, सब कुछ वहाँ पर दिख जाएगा। बाकी जो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है वो मैं डाल दूंगा, बेसिकली आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं कि अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जितने वीडियो आपको अच्छी लगी, तो बाकी हमने बात करी सिर्फ इंडियन एयरफोर्स भर्ती के बारे में 10th और 12th पासर्स के लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर दो, खत्म करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियो है मिस ना आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलती रहे नई नई और वीडियो बनाने की आप सबके लिए। तो चलिए दोस्तों, खत्म करते हैं वीडियो को। धन्यवाद।